हमारे छोटे भाई हैं रजत मिश्रा, पिछले साल अप्रैल में इनके जीभ में कुछ छाले जैसे महसूस हुए। उसके बाद हमने वहाँ लोकल डॉक्टर से दिखाया, दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ दवा है, आप ले लीजिए। फिर उसको खाने के 10 रोज के बाद नहीं ठीक हुआ, तो फिर हमने ENT डॉक्टर से दिखाया। ENT डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार बायोप्सी कराइए। बायोप्सी उन्होंने जैसे ही कहा, वैसे हमने इन्हें लेकर राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम चले गए दिल्ली में, और वहाँ पर जब उन्होंने बायोप्सी किया तो बायोप्सी के बाद उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि ये जो है वो टंग का कैंसर है, और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे ऑपरेट करा लें। तो लगभग 5 मई को हमारी वो बायोप्सी रिपोर्ट ली गई थी, और 7-8 मई को और 12 मई को हमने इसका ऑपरेशन करवा लिया था। लेकिन ऑपरेशन करवाने के 6 वीक के बाद उन्होंने कहा कि आप आए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि आप रेडिएशन दी जाएगी 30 रेडिएशन के लिए। उन्होंने उसके बाद हम लोग जब गए वहाँ तो उन्होंने रेडिएशन के लिए स्टार्ट हुआ, लेकिन रेडिएशन होने के 3-4 रेडिएशन के बाद उनकी जो है वो जो स्वेलिंग बढ़ गई थोड़ी सी। तो हमने डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, ये साइड इफेक्ट है। और फिर उसके बाद जो है उस दूसरी बार मास्क बना, और मास्क बन के फिर से रेडिएशन स्टार्ट हुई। लेकिन 12 या 13 रेडिएशन के बाद से फिर वो जो है वो फिर से स्वेलिंग बढ़ गई। रेडिएशन के वक्त ये हमें नहीं बताया गया था कि आगे चल के ये जो है मुंह बंद हो सकता है, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है, या खुलने में इसे साल भर लगेगा, और जबड़े जो है और धीरे धीरे जो है वो गर्दन भी जो है एक तरफ जो है झुक गई, टेढ़ी हो गई, और सर में भी काफ़ी दर्द महसूस होने लगी। लेकिन ये सब किसी ने जिसे बताया नहीं था, और धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं उसके बाद होती गई। फिर उसके बाद उन्होंने जब स्वेलिंग आ गई, तो उनके बाद हमने फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका MRI करवाते हैं। MRI कराने के बाद कहा कि ये हमें शक है कि ये फिर से बीमारी लौट आई है, और बीमारी लौट आई है। फिर उसके बाद उन्होंने पेट स्कैन के लिए हमें ये कहा, और जब पेट स्कैन हुआ तो उन्होंने कहा कि ये आपका जो है पेट स्कैन में है कि ये बीमारी फिर से आ गई है। तो पेट स्कैन के बाद फिर उन्होंने हमें कहा कि अब आपको कीमो के लिए, और उन्होंने हमें मेडिसिन कीमो के डॉक्टर के पास भेज दिया, और कीमो के डॉक्टर ने कहा कि एक ऐसे तो हमें भी कन्फर्म नहीं करेंगे, एक हम FNC कराएंगे। तो FNC कराने के बाद जो है उन्होंने कहा कि हाँ ये है कि कन्फर्म है कि ये डीप में ये हो गई है, और ये जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में आ गया है। इसे जो है, और उन्होंने कहा कि 6 साइकिल लेने होगी। 3 साइकिल लेने के बाद बीमारी में 50% की कमी आई पेट स्कैन कराने के बाद। लेकिन जब नेक्स्ट 3 साइकिल जब हुआ, तो 3 साइकिल के बाद बीमारी पुनः बढ़ गई, और बीमारी बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो हम ये जो है अब आपको इम्यूनोथेरेपी कर, क्योंकि अब आप जो है ये इससे ये दवा से नहीं सुन रही है, और उन्होंने थेरेपी के लिए रेकमेंड किया। बस जब उन्होंने इम्यूनोथेरेपी के लिए कहा, तो फिर हम यहाँ इम्यूनोथेरेपी में डॉक्टर जमाल ए खान के पास हम गए, जो कि डेली बसंत बिहार में उनका क्लिनिक है। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ये ट्यूमर अभी थोड़ी बड़ी है, और बेहतर यही होगा कि आप इसका वो करवा लें, थोड़ा इसे छोटा करवा लें, तो इम्यूनोथेरेपी अच्छे से काम करेगी। तो उन्होंने बॉम्बे में डॉक्टर रूजी भल्ला का पता दिया कि आप जाके वहाँ लेजर सर्जरी करवा लीजिए, और क्योंकि जनरल सर्जरी तो हो नहीं सकती है, तो लेजर सर्जरी से वो जितना भी हो मैक्सिमम हो सकता है तो वो निकाल देंगे। तो उसके बाद फिर जो है आप आइए, तो फिर हम उसके बारे में। तो यहाँ हम 5 जनवरी के को यहाँ पर ऑपरेशन डॉक्टर रूजी भल्ला ने किया, उसके बाद से और जिस समय मैं वहाँ से लेके आया था उस समय काफ़ी सर में दर्द था, वीकनेस बहुत थी। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया नहीं था राजीव गांधी में कि राइस ट्यूब लगा होने के चलते खाने नहीं खाने का वो काफ़ी उसका वेट भी गिर गया था, और लगभग वो 36 kg के हो गए थे।
और चलने फिरने में भी काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद वहाँ से हम वहाँ से डॉक्टर रुजी भल्ला के पास आए, वहाँ पर इन्होंने 5 जनवरी को वो सर्जरी की। सर्जरी के बाद फिर हम अपने घर लौट गए। फिर वहाँ से हम हर एक 22 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आते हैं। तो अभी जो पिछले 3 महीने से मैं आ रहा हूँ, अभी तक जो है उनके अनुसार सब कुछ ठीक है, कोई रेकरेंस नहीं है। और उनके जो डॉक्टर जमाल खान का भी जो है डोज वो चल रहा है, हर एक 15 दिन में उनकी एक डोज होती है। और ये लास्ट 15 डेज से सर के दर्द में भी काफ़ी कमी आई है, लगभग 60-70% की कमी आ गई है। और जो वो बलगम जैसा जो निकलता था वो उसमें भी काफ़ी मतलब की कमी आई है, करीब करीब 40-50% की। और जो वीकनेस थी उसमें थोड़ी बहुत की कमी आई है, अभी पूरी तरह तो कम नहीं हुई है, लेकिन चूँकि पेट ट्यूब लगी है और उससे वो खाना जा रहा है, इस कारण से ये हाँ। और वजन जो है लगभग जितने जब हम आए थे यहाँ पर ऑपरेशन कराए थे 36 kg, वो अभी तक स्थिर है, वो अभी तक। मेरा ये कहना है लोगों से कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएं या जनरल सर्जरी के जाएं तो पूरी तरह डॉक्टर से पूरी तरह से पूछ ले अपने आने वाले दिनों के लिए कि क्या उसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्या क्या हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और तब जाके किसी भी चीज़ का अंतिम फाइनल जो निर्णय लें वो पूरी तरह से सोच समझ के लें। ताकि क्योंकि जनरल सर्जरी में विशेष तौर पर माउथ कैंसर में काफ़ी कट फट जाते हैं, इस कारण से बहुत चीज़ों की दिक्कतें आती है। जैसे हमारे भाई की जो है वो सर्जरी होने के बाद ना वो ठीक से बोल पा रहा है, उसकी जीभ जो है वो खींची हुई है, ना वो पानी कुछ खाना मुँह से ले पा रहा है, ना उसके माउथ खुल रहे हैं। ये सब डॉक्टरों ने हमें पहले नहीं बताया था कि आगे चल के ये सब चीज़ ये प्रॉब्लम होगी। और जब जाते हैं तो वहाँ पर वो रेडिएशन वाले बोलते हैं कि ये तो साल भर में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कि आपको एक छोटी सर्जरी करानी हो इसके लिए, मुंह खुलने के लिए। कौन से डॉक्टर सर वहाँ? और हमारा ये कहना है कि कभी भी जाए डॉक्टर के पास तो पूरी तरह से इंक्वायरी करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर पूरी बात जो है वो नहीं बताते हैं कि आपके साथ आगे क्या क्या होने वाला है, बहुत चीज़ों को छुपा लिया जाता है। जैसे रेडिएशन के दरमियान काफ़ी चीज़ों को नहीं बताया गया कि ये मसल्स जो है हार्ड हो जाएंगे, मुंह नहीं भी खुल सकता है, जीभ में पानी पीने में या खाने खाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ये सब चीज़ों को नहीं बताया। और जनरली डॉक्टर ये सब चीज़ों को नहीं बताते हैं, और इस कारण से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घूमते घूमते पिछले 6-8 महीने में लगभग 20-22 लाख रुपये खर्चे करने के बाद आज फिर यहाँ पर मैं फिर से उसी जगह पहुँचा। लेकिन ये है कि यहाँ पर डॉक्टर रुजी भल्ला के पास आने से हमें ये हुआ कि लेजर सर्जरी कम से कम ये नहीं, तो जनरल सर्जरी में तो सभी लोगों ने हाथ उठाए जाते हैं कि जनरल सर्जरी नहीं हो सकती है आपकी, तो उन्होंने वो सर्जरी किया है। अभी जो है अभी पिछले 3 महीने से बेटर महसूस कर। के दरमियान जब डॉक्टर राउंड पर आते थे तो वो बराबर ये कहते थे कि इसके बाद कोई भी सलमान खान, जमाल खान, शाहरुख खान, किसी भी तरह का किसी का कोई भी इलाज, आयुर्वेद, होम्योपैथ, बाबा रामदेव बाबा, किसी का कोई भी चीज़, कोई गोमूत्र, किसी भी तरह का कोई सेवन ना करे। और उसके बाद जब उन्होंने जब हमारी जब ये स्थिति हो गई कि जब कि थर्ड साइकिल के बाद हुआ कि नहीं रेकरेंस अभी भी है, तो जब हमने कहा तो उन्होंने कहा कि अब आप इम्यूनोथेरेपी कराइए। हमने कहा कि सर आप ही तो मना कर रहे थे कि जब इम्यूनोथेरेपी अभी नहीं कराइए तो हम आपका इम्यूनोथेरेपी क्यों कराए, क्योंकि आप तो अब तीनों तो कर ही चुके थे, सर्जरी भी किया, रेडिएशन भी किया, कीमो भी किया, अब आप इम्यूनोथेरेपी के लिए कह रहे हैं यहीं से करवाओ, और भाई जब हम हाथ उठा देंगे तब आप कहीं दूसरे जगह जाना। तो फिर हमने वहाँ से उसको छोड़ के फिर डॉक्टर जमाल खान के पास गया, फिर उन्होंने वहाँ से डॉक्टर रुजी भल्ला को हमें रेफर किया।